नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बारा छिपाब दौत उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पछाड़ के सरकारी स्कूल में 4 दिवसीय ओलंपिक टूर्नामेंट कई तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पछाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता एवं जिला महासचिव मूलचंद शर्मा गोलखेड़ी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि छोटे छोटे गांव में छुपे खेल के प्रति लगन और मेहनत करने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा अवसर आया है, जिसके चलते हर गांव से खिलाड़ियों को आगे लाकर खड़ा करना है और उभरती हुई प्रतिभाओं को निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों से तहसील, जिला और प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। वहीं सरपंच श्रीमती सरिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी खिलाड़ियों को खेल के प्रति आस्था और विश्वास रखना चाहिए, खेल को खेल की भावनाओं से खेलना चाहिए, खेल के प्रति सभी नियम व कायदे कानून को ध्यान में रखकर ही खेलना चाहिए। सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, खो खो, हॉकी, टेनिस शामिल है। इससे आपकी प्रेम, सद्भावना और भाईचारा बढ़ेगा। मेरी सभी ग्रामीण क्षेत्रवासियों से अपील है कि सभी इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें सभी प्रतिभाएं सामने आएगी और उनको सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।